मेहमान आए सी ते आके जेड़ा है ना जा भी रहे ने और अल्लाह पाक सिस्टर नु खैरियत ना जेड़ा है ना ले जावे जी स्पेन। फाइनली जी ये साडी अलविदाई मुलाकात हैगी सी और भाई साहब अनबॉक्सिंग हो चुकी आ और इस दे अंदर सब तो पहले निकली है जी खेतां दी क्लिपां वगैरह बना रहे हैं हीना सिस्टर नु रात नु किधरे लाहौर च वेख्या ते ओ जेड़ा है ना अचानक समझ लो बच्चे कह रहे ने बाहर मेहमान आए खड़े ने यकदम जेड़ा है ना सरप्राइज दित्ती खड़े की गल है इतला भी नहीं दित्ती कोई कोई कमाल छोड़ के इन्होंने धमाल कर दित्ती है कैमरा में खोले हुआ सी वालेकुम सलाम किधर को सरप्राइज वगैरह साडा लग रहा है अच्छा आपका आएगा माने था यही थी आपके पास अच्छा की चीज है ये ना वो है आपने ना खोल के ना दिखाना है इसमें ना भाभी के लिए ऑयल शैम्पू और क्रीम अच्छा सही सही ये बड़ा अच्छा है ये की सदे नु आया है पीआर आया है चलो ठीक है मैंने वो दो तीन दफा तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने फिर अपना एड्रेस दिया मैंने कहा भेजे मैं पहुंचा दूंगी चलो ठीक है तो इसमें वो उनका पेज और एड्रेस है ये चीज चलो देखांगे विच केड़ी हां हां हम यूज करते हैं ये अच्छी थी तो मैंने अपनी ऑर्डर की तो साथ आपका पीआर आ चलो ठीक हो हां भी अब्दुल हादी साहब सरप्राइज दिता आज जबरदस्त करके इसलिए दिया टाइम थोड़ा सा मैंने कहा आपसे मिलके निकले आपको पता है मेरी वापसी है अच्छा हूं कदों जाना तुसी सुबह जाना है बड़ा मैं उधर लाहौर वेख्या तानू ते तुसी यकदम इत्थे किवें आ गए हो लाहौर थे बस लाहौर कुछ मिटाया बुक अफसोस करना था हां जी हां जी बताइए मां एक्सीडेंट था वो थोड़े बहुत वो काम थे कार के चलो बैठो बेगम साहब इमरजेंसी जगह जुगा मना रही खुद हैरान हो गई मैंने खुद नहीं आपको फोन किया एक आप मैंने दसया सी मैं क्या लाहौर फिर दिन चलो बैठो बैठो फिर हमने कहा चले मिलके ना मोबाइल नंबर है सारा एक ही चलता है बेगम साहबां दा मोबाइल है मेरा भी हां जी बाकी हीना सिस्टर ने एक ज्यादती की अचानक आए ने कह रहे ने बस आखिरी मुलाकात है पाकिस्तान दे विच मैं जिहड़ा गाना हुण स्पेन च सुबह जाना परसों बस कल रात कल चले जाना यानी आज ही इथे हो बस आज ही समझे बस इधर है बस वो सबसे मिल छी के ना अचानक प्रोग्राम बन गया जाने का बस अब दी ले चलो अल्लाह पाक तानू खैरियत ना ले जावे हसदे बसदे रहो ते बाकी भाई मैं थोड़े को हां जी भाई और इथे ने और इनन छुट्टियां भी हो जानियां ने और अगर हालात सही हो गए ना हालात अगर सही हो गए ना जिवें वो कह रहे सी उधर पहाड़ा वाली साइड ते लैंड स्लाइडिंग वगैरह काफी हो रही है ना ते अगे तुसी दस रहे सी वो साईवाल दी फैमिली वगैरह काफी किन्ने बंदे मरे आ दस बंदे मरे वेख लो आपां उस साइड ते बाबू सर टॉप वाली साइड ते जाना सी ते लेकिन उदो भी काफी ज्यादा हालात खराब सी और भाई होरां दे प्रोग्राम बना रहे सी के हुण उधर चलिए की ख्याल है सैर सपट्टा निकल जाना इन्हां नूं छुट्टियां होणियां ने 12 13 हां जी इंशाल्लाह नहीं नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं कदों भी जावां ना चक्कर चुक्कर ला आंदा हुंदा ते बाकी अल्लाह पाक तुहानूं खैरियत ले जावे ते और भाई होर भी जावणगे लेकिन भाई होरां दी इस वारी फिर रहत हो गई है कोई पता नहीं सरप्राइज नाल नहीं 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 ए सरप्राइज एक बारी नहीं आवेगा सर वो हाले दसया ना इना सिटों को कागज वगैरह पेपर वगैरह बनने ना ते हुण एवें समय लास्ट दो तीन महीने तुहाडा दो तीन महीने पांच छे महीने लग जावणगे मेरे ख्याल टाइम आगे से बस घर पास होगा ना फिर वहां से पास होंगे फिर यहां आएंगे यहां जमा होंगे थोड़ा सा है काफी सारीयां गल्लां साडियां वैसे आउट ऑफ कैमरे भी हुईयां ने कारोबार दे बारे और तुहाडा अच्छा आईडिया हैगा कि उत्थे कोई ना कोई एडजस्टमेंट करके ना फिर बंदा जांदा है और वैसे बंदा इत्थे जावे बंदा उत्थे वेलियां बैठ के खाना पवे ना ते ओही बंदा अच्छा नहीं नहीं हमने अपना रेस्टोरेंट वगैरह का करना तो आप ही हमारे पास हां जी हां नहीं इंशाल्लाह तुसी उधर कोई कारोबार बनाओ ना जो तुसी बिल्कुल उत्थे सेट हो गए बिल्कुल बेगम साहब इंग्लिश बोलदी हां सेटल हो गए ना इंशाल्लाह ते फिर पूरी फैमिली तो नहीं लेकिन मैं या अहमद भाई असि दोनों जेड़ा ना प्रोग्राम बना के ना चक्कर लावांगे इंशाल्लाह और हां जी बिल्कुल जेड़ा है ना जो तुसी फ्रेश हो गए उत्थे फिर तुसी सानू स्पोंसर करोगे असी टिकटां टुकटां करावांगे अपने कार्ड कूड बनवा के असी कोई भाई उन्हां नूं एक तां मुबारकबाद देवांगे इन्हां दे कारोबार दी ते ओह तोड़ जाके और इंशाल्लाह अच्छी गल है अपना कारोबार जेड़ा उत्थे बनाओ
अगर साडा कदे मसलन इंशाल्लाह इरादा बनिया तो जरूर आवांगे। ते बाकी साडी अलविदाई अज मुलाकात हैगी सी और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच तुसी आ के जेड़ा हैगा ना सानू कम से कम दस दिता है कि असीं निकलन लगे। दूसरा ये था कि मेरा काम इतने सारे ना, मुझे ये था कि अभी आज सबसे पहले उठ के आपको मिलने आया कि पहले आपसे मिलेंगे फिर बाकी काम सब करके ना, कोई पता नहीं कब निकल जाए क्या हो, सारी फैमिली ने मिलना है, बड़े काम थे, आपसे मिलना होना एक आपकी इमानत। चलो बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक खुश रखे। बाकी पी आर सी पार्सल दिया करा, चलो वो भी चेक कर दिया जी है, फिर डिटेल भी दस देवे। और सिस्टर कैरन काफी अच्छी प्रोडक्ट हैगी, और बाकी असं भी इस्तेमाल करांगे ना, पता लग जाएगा मजीद बाद रिव्यू दसांगे, तो बाकी दिखावांगे भी उनके है की चीज। बाकी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मान आए सी ते आ के जेड़ा हैगा ना जा भी रहे ने, और अल्लाह पाक सिस्टर नु खैरियत ना जेड़ा हैगा ना लै जावे जी स्पेन। बहुत शुक्रिया, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अय्याम नु प्यार दे भी मेरा हाफिज। भाई और जेड़े हैगा ना चले गए ने, अल्लाह पाक खैरियत ना उन्हां नु लै जावे। और असी बना रहे सी आज भाई साहब बेगम साहब बना रही है छोले वाला जेड़ा हैगा ना पुलाव, छोले जेड़ा हैगा ना बॉइल करन रखे हुए सी, उपरों मेहमान आ गए, पानी बिल्कुल खुशक होया पे विच, और आग भी मरी पई है। छोले तेरे रेडी हो गए ने? सेवा मलिया होया और बहुत ज्यादा जेड़ा तंग कर रही है, ये खुड़क हुई पई, किसी ने खुड़क मुर्गी हुई पई है, और इनके अंडे वगैरा जेड़ा असीं सारे खा गए सी, अंडे तो है कोई नहीं, किन्ने किन्ने अंडे लाए सी ना असी ताज़े ताज़े जेड़ा खाई गए। और हुण जेड़ा है ना ये तंदूर दे विच उन्ने, ओ देख उधर वेख, ये तू बिठाए ने, मेरी यकदम निगाह पई है, मैं उधर किते चढ़ गए ने, और तोते देखो किथे बैठे हुए ने, उत्थे ना बिठा इस जगह तो, और इस जगह तो बिठा दे, परले गवांडियां लै गए ना मैं, उधरों कोई बिल्ली वगैरह ना पै जाए, उधरों चक ला आराम ना, बिल्ली वगैरह भी आदि रहा अड़ना, तो उधरों कोई बिल्ली वगैरह आए तो फट के भरा ही लै जाए, तो इतने फिर भी बिल्ली वगैरह नहीं आती क्योंकि असं इतने किचन के ज़्यादातर होंगे। हाँ इतने इधर ना बिठाया कर, बिल्ली वगैरह फट के लै जाएगी, एक मिनट लावेगी। हादी साहब जी सो रहे झूले दे, और हूँ तुम करके विखाने जी अनबॉक्सिंग, पी आर पैकेज आया, इन कुछ चीज़ा है और तुहाडे नाल भी शेयर करांगे, और पैकेज हो गए, प्रमोशन हो गई मसन जोरिंग चीज़ों की, तकरीबन मैं काफ़ी सारे इंस्टाग्राम से मैसेज वगैरह आते हैं, लेकिन मैं असल तो ना इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा कम इस्तेमाल करना, और मैं कदे कुछ 6 महीने बाद जरा चैक करता हूँ, मेरा एड्रैस भाई को हैगा कौन सी, और शायद उन्हें रबता किया हो, मैं देखा कौन, फौरन हिना सिस्टर के वाले भेजे, और हिना सिस्टर जरा मैंने पहुँचाता है, और देखने इस अंदर है कि चीज़ खोलो, और बाकी तुहाडे नाल एड्रैस वगैरह भी शेयर करांगे। और भाई साहब अनबॉक्सिंग हो चुकी आ, और इस दे अंदर सब तो पहले निकली है जी ये मेरे ख्याल क्रीम की डब्बी लग रही है, इनू अनबॉक्सिंग करने फिर बाद विच, पैकिंग काफ़ी अच्छी तकड़ी हुई हुई है जबरदस्त, और यह मेरे ख्याल लग रहा भाई साहब शैम्पू, इस तरीके अनबॉक्सिंग की इनकी जाँच पड़ताल की है कि चीज़ है की है की नहीं है, फिर जो है ना मैं तुम दसने, और सब तो पहले तो अगर किसी भैन भाई ने मंगवानी हो तो उन्होंने वट्सअप नंबर इंस्टाग्राम से भी रबता वगैरह कर सकते हो, बाकी ऑयल वगैरह या जी चीज़ हैगी उनके बारे सब कुछ लिखा हुआ भी आ नज़र आ रहा होगा, गंजापन वगैरह आ गया हो वहाँ बाल, और जोड़ा है ना यह जी गंजेपन जी गल हैगी ना ये मैं बड़ी पसंद आई, क्यों मेरे वाल ना काफ़ी दिनों के गिरन लगे ने, और ऑयल जोड़ा है ना असी अच्छी तरीके चैक किया, ऑयल तकरीबन ना बड़ा जबरदस्त लग रहा है, देखो ना देखने भी, और इन ना कशबू एडी खास नहीं आ रही, महसूस हो रहा मतलब एडी कशबू ज्यादा भी कोई नहीं है, लेकिन ना हाँ ज्यादा वह कैमिकल आले होंगे ना ये उत्ते समझ ना ही लिखा हुआ कि ऑरगेनिक है ठीक है, और इनके उत्ते तकरीबन ऑयल जेडे शामिल किए गए ना 8 किस्म के कलंजी आमला काफ़ी सारे ऑयल वगैरह मिक्स है, और मेरा तो गंजापन रुक गया ना, तो मैं तो भाई जिहड़ियां दुआवां अलग देवांगा तो जेड़ा है ना ऑयल दा पक्का गाहक भी बन जावांगा, बाकी चीज़ा अच्छी देखन लग रही काफ़ी जबरदस्त। हाँ यह हैगा शैम्पू, शैम्पू वगैरह भी असी चैक किया तकरीबन क्रीम ही खोल के देख ली है, यह भी हाले बाकी इस्तेमाल करके मजीद एक्सपीरियंस तुहाडे नाल शेयर करांगे, बाकी भैणां भाईआं ने मंगवाना जरूर है जिन्हों मसलना थोड़ा बहुत इंट्रस्ट हो रहा है एक बार मंगा के जेड़ा है
चेक कर लो कि किस तरह की चीज अगर अच्छी लगी। टूर तो जरा ना फिर अलहमदुल्ला जा रहे हैं, लेकिन इस बार कला ही मैं जावगा और हो सकता है भाई जफर भी मेरे नाल जावन। इस बार अच्छी तरीके पहाड़ों की सैर करके आवेंगे। और पिछले दिनों में भाई जफर और गल कर रहे थे कि साहिवाल की कुछ ना फैमिली, बल्कि उस तो पहले मैं खबर भी सुनिया से साहिवाल की फैमिली पूरी समझो कि उन्होंने कोच उलट गई थी। तकरीबन 10 बंदे एक ही घर से जोड़ा है ना मरे ने, तो अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत फिरदौस जगह ता फरमावे। और बहुत ऐसा खबर सुनी दी ना तो दिल नहीं करता जान, लेकिन मैं हम फैमिली ना नहीं जावगा, मैं इंशाल्लाह कला जावगा मोटरसाइकिल से या नाल मेरे भाई जफर जावे इंशाल्लाह। इधर पक रहे जी चने वाला पुलाओ और मक्खियाँ बड़ा तंग कर रही ने और बच्चे सारे चले गए ट्यूशन। सा देखो माशाल्लाह किस मौसम का लग्या खड़ा है, कल फालसा खत्म तो हो गया लेकिन साढ़े माशाला गार्डन हाले तक लगे हुआ है। सूरज भी गरूब हो रहा इस वक्त आ के जो इतने सूरज आता ना उदो जाके कोई ठंडी ठंडी जो हवा आनी शुरू होंगी है। जो असी घर काम शुरू किया गर्मी बद गई, पहले बारिशा वगैरह हो रही थी ना तो ठंड हैगी सी और एक हूँ UPS ला के थले रख दिता बिजली जाए ना तो सानू ही हूँ महसूस होंगी है, पहले इन्ना मसला कोई नहीं सी। हूँ आके गार्डन जो दोपहर टाइम बहना पैंता है ये चिड़िया तो हमला कर रहे हैं जी, छोटिया छोटिया हुई इन्हों बी पै रहे। और बेगम साहब बना रही है पुलाओ, चने पुलाओ, चने वाला पुलाओ। एक तो मक्खियां जी इन्ना ज्यादा तंग कर दी, इतनी गर्मी भी आज समझे फिर भी नहीं जा। हाँ गर्मी दे वेच भी एक उस साइड तो वैसे ठंड हो गई है ना, सारी कमरे वगैरह ठंडे ने, उधर कुछ ज्यादा ही मक्खियां आ गई। चलना मैं जाके ना वैसे भी स्प्रे वगैरह लैके मैं मक्खियां आ रहा स्प्रे, असल तो ना साढ़े को सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए का आंदा है और अगर मक्खियों वास्ते इस्तेमाल करिए ना सारा दिन मसा मक्खी वगैरह आए तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन या दो दिन निकलता, 200-300 रुपए तक दिहाड़ी पैंती इसे करके ना अभी बहुत कम लैके आने। हाँ और ये स्प्रे तो बगैर मक्खियां जांदियां नहीं है, देखो ना हुण काफ़ी ज़्यादा बैठी हुई हैं। किचन इंशाल्लाह बाद च बनाना है जो सा उदला घर वगैरह जिन्ना स्टार्ट किया हो सैट हो गया इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे कमेंट से नवाज भाई यह करी रहन दो पहले अपना घर सैट करो बाद बनाना ये एंड ते सब तो जोड़ा है ना अभी खुद अपने हाथ ना तैयार करना है। जो कमरे वगैरह बरामदा वगैरह जो है प्लस्तर हो गया और ग्रिल की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रिल भी आ जाए नाल ग्रिल भी लग जाए। पतलू का यह कमरा सामने वाला बना दिता है और इन्हें भी ज़्यादातर हूँ जरा क्या रेंगे ने, बाकी कबूतर थले सैड दूसरे चिलियन पैरेट वगैरह है उधर बाकी मिक्स कर दिते से, बाकी यह मुर्गियों का है यह बानों का जरा हाले तक खाली पे कि डॉलर साडा जो डॉग हैगा वह उस घर के ही असी रखे ज़्यादातर इतने इस करके लैके आई दा क्योंकि इतने बच्चों जो है ना बहुत ज़्यादा तंग करता, बाकी तो कुछ भी नुकसान करता लेकिन बच्चों तंग करता और मुर्गियों ना फड़ के खावन की कोशिश करता है। बस नहीं जू बनाना बहुत आसान है, उन्होंने संभालना कवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, इस करके मैं हाल एक बार मिनी जू का काम ना रोक लिता सी और इंशाल्लाह बनाना जरूर है और उस घर के क्योंकि बंदा रखना लाजमी है क्योंकि बंदा नन रखा क्योंकि किसी दिन मैं घर में नहीं हों तो बच्चों तो या बेगम तो हर चीज़ ना नहीं संभाली जानी और मिनी जू उदो बनावना पॉसीबल होगा जो उधर जरा एक अद्धी भैंस वगैरह भी लवेंगे मझ दुध वास्ते वो भी नाल वो बंदा जो रखा संभालेगा और नाल छोटे मोटे आइए परिंदे होवे जे इत इस जगह से, बाकी जो उधर वो मिनी जू बन गया फिर इतों ए गले वगैरह जो सारे टा देने ने। माशाल्लाह भाई अहमद राबी और जोड़े है ना फिर उमरे तो चले ने बड़ी खुशी की गल है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि चलो उन्होंने एयरपोर्ट से अलविदा करिए या ना करिए, उस तो पहले पहले जोड़ा है उन्होंने पूछा मैं कोई नहीं उन्होंने कदों जाना है और उस इलावा उन्होंने गड्डी का एक्सीडेंट भी होया सिला पास उन्होंने बचा लिया और उमरे तो पता नहीं कदों जाने पूछा कोई नहीं और साड़ी दिल है कि उस तो पहले पहले जोड़ा है ना उन्होंने घरों जोड़ा ना एक चक्कर लाया भी है की ख्याल है, क्योंकि तकरीबन अपन उन्होंने घर गए मेरे ख्याल 1.5 साल हो गए। हाँ 1.5 साल हो गया है जो पिछली बार उमरे तो गए ना तो उमरे तो आप उन्होंने लैन गए से बल्कि उन्होंने घर के आप गए से तकरीबन 1.5 साल बाद अपने लिए पिछली ईद पर ईद पर उन्होंने साल हो गया से ईद पर अपनी अपने घर जो आए थे ठीक है आप उन्होंने घर कोई नहीं तो तकरीबन 1.5 साल होया खड़ा और चलते हैं एक दिन जो है ना सरप्राइज देवे
ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਈ ਅਹਿਮਦ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸੰਭਲੋ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੇਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਅਬਦਲ ਹਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾ ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੁਣ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਵੇ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਓਏ 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 ਕੀ ਗੱਲ ਦਲਵਹਾਬ ਵੀ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੋਂਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਗਾਰਡਨ 'ਚੋਂ ਨਾ ਮੱਖੀ ਲੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋਠ ਸੁੱਜਿਆ ਪਿਆ ਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਰਡਨ ਨੇ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰੋ ਨਾ ਮੱਖੀ ਲੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਆ ਜਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਜਾਗਦਾ ਆ ਜਾ ਔਰ ਹਾਂ ਅਬਦੁਲ ਹਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਸਿਰਫ ਨਾ ਦਮ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁਲਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਈ ਮਿਸਤਰੀ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਪਕਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਔਰ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਚਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਚਟਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਾੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਔਰ ਅਬਦੁਲ ਹਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੀੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦੇਵਾਂ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਦੀ ਆ ਜਾਓ ਚਲ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਰਹਿਮਾਨ ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਲਾਮ ਜਬਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀਨਾ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਬੀਆ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜਾਵਣ ਦਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਡ ਬਾਈਆਂ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੀਏ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ